अगला साल चुनावी समर का साल है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा जींद के अलेवा गांव में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में पहुंचे और जेजेपी और बीजेपी पर जमकर बरसे। प्रोग्राम भी था मगर ये जय भाव और सत्याग्रह का हमारा प्रोग्राम कल ही फैसला हुआ है तो ये दोनों का एक रूप था सर, भाई हाथ से हाथ जोड़ो तो हमारा प्रदेश का सारी बातें हैं उसमें। आपको पता ये सारी बातें हैं कि भाई प्रदेशवासियों को हर एक प्रदेशवासी दूसरे प्रदेशवासी से प्यार प्रेम से जोड़ो, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को आपस में जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, हरियाणा को विकास से खुशहाली से जोड़ो, किसान को एमएसपी गारंटी से सम्मान से जोड़ो, गरीब आदमी को 100-100 गज के प्लॉट से, दो कमरे के मकान से, राशन कार्ड से जोड़ो, हर बड़े बुजुर्ग को 6000 बुढ़ापा पेंशन से जोड़ो, हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली से जोड़ो ताकि महंगाई का चक्कर तोड़ो, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, हर गृहिणी को 500 रुपये में सिलेंडर से जोड़ो। ये हमारे कई संकल्प हैं, इन संकल्पों को तो आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इसमें सत्याग्रह इसलिए हम जोड़ रहे हैं कि भाई आज के दिन सच बोलने पे जो है ये सरकार, सच इस सरकार के गले नहीं उतर रहा। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर वर्ग सरकार से दुखी है, हर वर्ग को आज सड़क पर आना पड़ रहा है। प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार में काम होते थे, उचाना की जनता ने आज मन बना लिया है, उचाना के अंदर और जींद में पांचों सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आएंगी। चौधरी प्रदेश जी के जो है मैं समझता हूँ के नेतृत्व की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ पूरा जींद जिला आशा भरी नजर से देख रहा है। आज की जनसभा उस बात का प्रतीक है कि उचाना की जनता बदलाव चाहते, दोनों से ही दुखी है, भाजपा और जजपा, इन दोनों पार्टियों से उचाना की जनता पूर्ण रूप से दुखी है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और हर हलके में जाकर लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ते हुए सत्ता पक्ष पर सियासी हमले कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सत्ता दल की ओर से क्या जवाब दिया जाता है। जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट।